नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। त्योहार में व्यवधान पहुंचाने वाले युवकों पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर। आने वाले नवरात्र के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। त्योहार के समय चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ अराजक तत्वों पर नजर रखेगी। वहीं पर कोविड 19 का पालन कराना भी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पत्रकारों से मुखातिब हुए बलदी राय, क्षेत्राधिकारी राजा राम चौधरी व धनपतगंज थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि आने वाले आगामी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। पर्व के दौरान अराजक तत्वों के द्वारा यदि किसी प्रकार की अराजकता फैलाई गई तो प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगा। उन्होंने बताया कि सभी थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रधानों व सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर मीटिंग की गई, जिसमें ये जानकारियां दी गई कि त्योहार को सभी लोग सौहार्द पूर्वक मनाएं। पुलिस हमेशा उनकी सेवाओं में मुस्तैद रहेगी। उन्होंने बताया कि त्योहार के समय डीजे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अयोध्या से बीके यादव, ब्यूरो की खास रिपोर्ट। सर, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। हम जानना चाहेंगे सर कि आगामी जो आने वाला पर्व है उस पर आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे आगामी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि का त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, तो अभी हमारी जो है कोविड 19 की तरफ से जो गाइडलाइन है अभी पूर्ण रूप से उसको समाप्त नहीं हुई है और वो अभी पूर्ण रूप से लागू है। और हमारे लिए भी हमारे जो शासन की तरफ से और उच्च अधिकारियों की तरफ से आदेश निर्देश निर्गत हो चुके हैं और हमें प्राप्त हो चुके हैं कि इनका पालन कराया जाए। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी आदेश है कि त्योहारों को हम त्योहारों की तरह से मनवाएंगे और गाइडलाइन का पालन कराते हुए मनाएंगे और मास्क लगाते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाएंगे। यदि आप सहयोग करेंगे, जनता के लोगों से बता दिया गया है, पीस कमेटी की मीटिंग लेकर के और भी प्रचार के द्वारा के माध्यम से बता दिया गया है कि आप जो है त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाएंगे और हमारा शासन प्रशासन का सहयोग देंगे और गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आप गाइडलाइन कोविड 19 की गाइडलाइन का जो है उल्लंघन करेंगे और किसी प्रकार की उद्दंडता करेंगे और त्यौहार को मनाए जाने में या संपन्न कराने में सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी जो है जो व्यक्ति अगर कोई इस तरह की उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, शासन प्रशासन के द्वारा इस बार त्यौहार में किस चीज़ को जो है ये जो है प्रतिबंधित किया गया है? कोई ये गाइड केवल प्रतिबंधित है कोविड 19 का पालन करना अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य है और ये डीजे जो है बिल्कुल प्रतिबंधित है। डीजे जो है कतई बजेगा नहीं और ना ही डांस गाने होंगे, ना डांस होगा ना गाने होंगे, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और इसको ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाएंगे। इसी में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए अभी जो है इसका जो है वो कोई अनुमति नहीं दी गई है, पूर्ण रूप से अभी प्रतिबंधित है, ये इसको ध्यान में रखते हुए त्यौहार को मनाना है और मनवाना है और हमें भी पालन करना। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।